अगर कोई इंसान अपनी मेहनत की पूंजी आपकी टिकट पे लगा के अपने घर से निकल के जा रहा है अपने परिवार के साथ और देख रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। राशि बहुत बड़ी स्टार है, ठीक है, शी इज़ ऑनेस्टली, हम तीनों में से ये बहुत बड़ी स्टार है, ठीक है, डाउन साउथ, और ये भी बहुत यू नो ग्राउंडेड शी इज सो डाउन टू अर्थ। आई थिंक हम तीनों के लिए मैं कह सकती हूँ कि वी आर नॉट रनिंग आफ्टर फेम और मनी, रनिंग आफ्टर डूइंग बेटर रोल्स, बिकमिंग बेटर एट आर जॉब। बहुत बड़े बड़े लोग कह के जा चुके हैं कि यू नो ज़मीन से जुड़े रहो, यू नो अपने नज़रें नीचे रखो, ज़्यादा उड़ो मत जिसे कहते हैं। आज सक्सेस भी टेम्प्रेरी है, फेलियर भी टेम्प्रेरी है। Hello everyone, this is me Komal Vishwakarma and today on Peeping Moon we have the courageous and brilliant star cast of the Sabarmati Report, Vikrant Masi, Rashi Khanna and Riddhi Dogra. Hello, कैसे हो आप लोग? बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक। आप लोगों को मिलने का इंतजार था, मुझे फाइनली हो गया है वो। द साबरमती रिपोर्ट, ब्रेव चॉइस, क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और आप जब एक पब्लिक आई में होते हो तो डर होता है, बट यू स्टिल चोज इट, व्हाई? बिकॉज ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पिविटल पॉइंट है हमारे पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, सोशल डिस्कोर्स में, और ये इतना इम्पोर्टेंट पिविट पॉइंट था हमारे इतिहास का। तो हमें जब ये स्क्रिप्ट मिली और पता चला कि बहुत सारी जानकारी इसके ऊपर है नहीं, a lot of people know about it but not exactly know a lot about it, and also with the advantage of hindsight we realized ki ab jo sach hai, you know, sari theories ho gayi, all the dust has settled, 22 saal beet chuke hain, jo aaj hamare paas hai wo sirf facts hain, exactly, so we can make a good film based on the facts, we can also sort of share that information with the audiences and also entertain them. So yeah, I mean, बहुत सारे reasons थे। Okay, and why did you took up this project? I think I took it up because I felt responsible, firstly as a citizen of the country, to make sure that इस incident के बारे में हमारी generation जाने, आगे की generation जाने, जिन्हें कुछ नहीं पता कि exactly क्या हुआ था। I felt responsible as an actor because बहुत कम ऐसा होता है कि आपको ऐसा एक role मिलता है, आपको ऐसी एक film मिलती है, which plays a very important role in shaping the future. तो I think इसलिए मैं भी मैंने साइन करी, और इसलिए भी साइन करी क्योंकि विक्रांत ने पहले से ही साइन कर ली थी, तो मुझे लगा अरे विक्रांत ने करी है तो कुछ क्रेडिबिलिटी होगी इस प्रोजेक्ट में, और एकता, बिकॉज एकता वॉज बैकिंग इट एंड आई एम ग्लैड दैट रिद्धि ऑल्सो जॉइंड अस। तो ये सब रीजन्स थे ये फिल्म करने के। ओके, एंड वॉट अबाउट यू? आई मीन जो सब इन्होंने कहा है वही मेरे भी रीजंस थे, एग्जैक्टली द सेम। बट आई थिंक एक एक्स्ट्रा चीज़ जो मैं ये बोल सकती हूँ वो यही है कि एक आम जनता की तरह मैं भी हूँ, हम सब हैं, और हमको भी जब हमने रिसर्च देखी, हम टीम से मिले, तो हमें एज अ सिटीज़न लगा, ओ माय गॉड, ये तो पता ही नहीं था एज अ सिटीज़न। तो जब वो मुझे इन्फॉर्मेशन मिली तो मुझे लगा हाँ, आई वुड लव फॉर दिस टू रीच आउट टू द ऑडियंस एंड पार्टिसिपेट इन दिस स्टोरी टेलिंग, you know, so that was a very big reason. Okay, Vikrant, आपके अगर हम आपकी बात करें तो 2013 में लुटेरा से जो आपने बॉलीवुड डेब्यू किया था से 2023 के 12th फेल तक, इतने डेकेड में आपने अपने क्राफ्ट और इस इंडस्ट्री के बारे में वो क्या कुछ चीज़ें सीखी हैं? बहुत सारी चीज़ें अपने क्राफ्ट के बारे में तो पता नहीं, सीख ही रहे हैं अभी भी। The idea is to just get better with every film you do. पर इंडस्ट्री के बारे में मैंने एक चीज़ ये बिल्कुल सीखी है कि हाल ही में कुछ साल पहले बहुत नेपोटिज्म, एक नया शब्द हम सबको मिला था, इनसाइडर आउटसाइडर एक नया शब्द मिला था, तो उसका भी प्रभाव मुझ पर बहुत पड़ा। बट आज मैं ये बैठ के कह सकता हूँ कि ये बहुत ही डेमोक्रेटिक कम्युनिटी है, इंडस्ट्री है, एक डेमोक्रेटिक इंडस्ट्री है। अगर आप अपना काम ईमानदारी से करते हैं, अच्छे से करते हैं, तो लोग आपके काम को सराहते हैं। तो ये मुझे पता है कि इफ़ यू गुड एट योर जॉब, नो मैटर वेयर यू कम फ्रॉम, आप किस जात के हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, आप की आइडियोलॉजीज़ क्या हैं, या मतलब इट रियली डज नॉट मैटर, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड रोबस्ट कम्युनिटीज़ और इंडस्ट्रीज, यू कैन कॉल इट, दैट आई एम अ पार्ट ऑफ। तो ये मुझे सीखने में मिला है इन 10-11 सालों में कि काम करते रहिए, ये इनसाइडर आउटसाइडर कुछ नहीं है, ये बहुत ही, ये सिर्फ मीडिया में चर्चा होती है इन तमाम चीज़ों की, असलियत में ये सारी चीज़ें मैटर नहीं करती, क्योंकि अगर ऐसा होता तो
देखिए शुरुआत में तो ऑफकोर्स एक लेबलिंग होती है जब आप आहिस्ता आहिस्ता यू नो व्हेन यू ब्रेक द बैरियर एंड यू कम फ्रॉम व्हाटएवर बैकग्राउंड बट देन आई थिंक द डस्ट इवेंचुअली सेटल्स व्हेन इफ यू आर गुड एट योर जॉब एंड इफ यू आर एबल टू विन द ट्रस्ट ऑफ द मेकर्स द प्रोड्यूसर्स एंड द ऑडियंस ये चीज मैंने बिल्कुल सीखी है अगर आप ऑडियंस का हिस्सा हो जो एक्शन एडवेंचर रोमांस बायोपिक्स हॉरर कॉमेडी इन सब के आदि हो तो आप जो ये फिल्म है थॉट प्रोवोकिंग फिल्म है साबरमती रिपोर्ट उसके लिए कितने रेडी हैं एज एन ऑडियंस यस मैं तो फर्स्ट डे जाऊं देखने मैं भी या आई मीन इट अ लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली यूजुअली वो इतने एक्साइट नहीं होते मेरी कोई फिल्म आती है उनको आदत हो गई हाँ कोई फिल्म आई है फिर साबरमती मुझे बहुत लोगों ने कॉल करी कि हमें ये फिल्म देखनी सेम Okay. मतलब yeah. सामने से अगर कोई बोले ना आपको आपकी फिल्म के बारे में आपके प्रोजेक्ट के बारे में इंस्टेड ऑफ आपके पूछने से पहले सो दैट शोज जेन्युइन एक्साइटमेंट राशि आपने अपने करियर की बॉलीवुड में शुरुआत की थी मद्रास कैफे से 2013 में उसके बाद आपने 2022 में योद्धा की सो और अब साबरमती रिपोर्ट करें तो बट इतना गैप क्यों बॉलीवुड में काम करने के क्योंकि मैं साउथ फिल्म में काम कर रही थी और वहाँ बहुत बड़ी स्टार बन चुकी नहीं नहीं देखो द थिंग इज दैट मैंने कभी अपना करियर प्लान नहीं करा और मुझे ऐसा कभी नहीं लगा कि यू नो अभी मैं साउथ में काम कर रही हूँ तो मैं हिंदी में कब जाऊँगी मैं सिर्फ उस खोज में थी कि मुझे अच्छी स्क्रिप्ट्स मिले अच्छे लोगों के साथ मैं काम कर सकूँ और थोड़ा टाइम लगा लेकिन फिर फर्जी आई योद्धा आई मैंने बहुत अच्छे लोगों के साथ काम किया अब साबरमती है तो मैं बहुत अच्छे लोगों के साथ काम कर रही हूँ तो ऐसा कभी प्लान नहीं था कि अरे मैं सिर्फ साउथ में काम करूँगी या मैं हिंदी में काम नहीं करूँगी या मैं कुछ साल बाद हिंदी में काम करूँगी ऐसा अच्छा। कुछ नहीं था तो कभी आई नेवर मेड अ प्लान आई जस्ट फ्लो विद व्हाटएवर हैपेंस आई जस्ट सरेंडर सो आई एम हियर नाउ यू ऑल आर प्लेइंग स्क्रिप्टेड रोल्स ऑफ अ फिक्शियस कैरेक्टर्स जो रियल लाइफ बेस्ड सिचुएशन पर है बट कितना मुश्किल था अपने आप को उन कैरेक्टर्स में ढालना और उन लोगों को फील करके वो स्क्रीन पे प्रोजेक्ट करना रिसर्च बहुत हेल्प करती है ऐसी ट्रू इंसिडेंट्स में और बहुत ज़रूरत होती है और बहुत ज़रूरी होता है कि रिसर्च बैक्ड हो ऐसा सब्जेक्ट जो ट्रू इंसिडेंट पे बेस्ड है सो वी हैड सो मच ऑफ रिसर्च हमारे पास इतना सारा डेटा था इतना सारा और ये एक ट्रू इंसिडेंट है तो वी न्यू ऑफ दिस ट्रेजेडी तो हमें बहुत सारे लेयर्स में रिसर्च करने का मौका मिला और बिकॉज मीडिया सेंट्रिक है हम मीडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से फिल्म बता रहे हैं और मेरा किरदार हम सब का एक जर्नलिस्ट का किरदार है तो उस डायरेक्शन में भी वी डिड आर रिसर्च सो बहुत हेल्प मिली और वही प्रोसेस रहा टू डू इट देखिए हमारा फिक्टिशियस कैरेक्टर है ऑब्वियसली हम सबका आई थिंक मैंने कभी जर्नलिस्ट प्ले नहीं किया है और मेरे लिए वो न्यूज़ रिपोर्टर बनना चाहती है बट वो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म में चली जाती है मुझे भी नहीं पता था कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कितना मुश्किल होता है आपको डेथ थ्रेट्स आ सकती हैं आप जेल जा सकते हो वो सब होता है तो वो रियलिटी जो ग्राउंड की रियलिटी है वो समझ में आई आई थिंक दैट्स द ब्यूटी ऑफ बीइंग एन एक्टर कि आप इतने सारे कैरेक्टर्स में ढल जाते हो और आप वो लाइफ यू लिव दोज लाइफ जो आप वैसे कभी यू नो यू कैन नेवर अंडरस्टैंड दैम सो आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर जर्नलिस्ट्स इन जनरल ऑल्सो But specifically for investigative journalists. विक्रांत आपने कोई difficulty face की? इस किरदार को निभाने में? Yes. देखिए जैसे रिद्धि ने कहा कि रिसर्च मटीरियल हमें प्रोवाइड किया गया था There was a clear blueprint which we had to follow because ऐसी कहानियों के साथ क्या होता है कि आप बहुत ज़्यादा creative liberty जो आप आमतौर पर लेते हैं वो नहीं ले सकते क्योंकि ये कहानी जो है ये सच्ची घटनाओं पर आधारित है मैंने भी जर्नलिस्ट इससे पहले प्ले नहीं किया है पहली बार प्ले किया और इसका एक बहुत डेफिनेट आर्क है 10 साल की जर्नी है जो हमारी कहानी है द साबरमती रिपोर्ट की वो एक 10 साल की 2002 से लेके 12 तक की जर्नी है तो फ्रॉम अ बीट रिपोर्टर फ्रॉम एन एंटरटेनमेंट रिपोर्टर टू एन इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर फ्रॉम टू अ कैमरामैन टू अ प्राइम टाइम न्यूज़ एंकर तो एक अच्छा खासा आर्क था काफ़ी मज़ा आया जैसे राशि ने भी कहा कि बहुत सम्मान है मन में स्पेशली इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स के लिए और ख़ास तौर पे जो आपके भाषाई जर्नलिस्ट्स हैं जो रीजनल छोटे छोटे कस्बों में ज़िलों में काम करते हैं जिनको आज भी उनका ड्यू नहीं मिला है कहीं ना कहीं बहुत मेहनत करते हैं वो तो उनके लिए कहीं ना कहीं एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है क्योंकि वही लोग हैं जो एक्चुअली जो गाँव की असली कहानियाँ जो ज़मीन से जुड़ी हुई हैं वो आप तक लेके आते हैं तो इट्स अ वेरी टफ जॉब बहुत टफ जॉब है
हमें इतनी डिफिकल्टी फेस नहीं करनी पड़ी क्योंकि हम रिक्रिएट कर रहे थे, हम एक्टर्स हैं, नो हमारा ट्रेलर होता है शॉर्ट के बाद लंच ब्रेक में हम एसी में जाके बैठ जाते हैं, पर असल जिंदगी में उनके साथ नहीं होता है वो। तो जो चीज़ें, जो डेटा हमारे पास था, जो 2002 की अगर आप बात करें, उस टाइम पे ये गोधरा अग्निकांड जो था, ये पहली बार आप अगर ध्यान दें कि लाइव टेलीकास्ट होना शुरू हुआ था, उससे पहले चीज़ें रिकॉर्ड होती थी। तो उस टेक्नोलॉजी को भी ध्यान में रखना, अडेप्ट करना, शूट करना, बड़ा मज़ा आया एक्चुअली काफ़ी। जो थिएट्रिकल ड्रामेटाइजेशन होती है, जो रियल लाइफ सिचुएशंस पे बेस्ड होती है, जो ह्यूमन ट्रेजेडीज पे बेस्ड होती है, उनके पास उतना ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होता है दिखाने के लिए। सो आर यू वरीड अबाउट द ऑडियंस या क्रिटिक्स की वो साबरमती रिपोर्ट को एक्सेप्ट करेंगे, या आप कॉन्फिडेंट है ट्रैक रिकॉर्ड है? मतलब दे डोंट रियली हैव अ लॉट टू शो ना, बिकॉज वो सब पास्ट में हो चुका है, बट हमारे पास तो बहुत है दिखाने के लिए, पर फैक्ट्स तो ऑलरेडी हैं इंटरनेट पे। जो जो अगर डेटा की अगर आप बात करें या आंकड़ों की बात करें या अगर स्पेसिफिकली अगर साबरमती अग्निकांड की बात करें, तो 22 साल बीत चुके हैं, आपको वो सारा डेटा मिलेगा इंटरनेट पे। तो हमें ये विश्वास है कि जो लोग आएंगे कहीं ना कहीं उनको एक एक मोटी मोटी जानकारी तो होगी, और अगर नहीं होगी तो जो वो हम फिल्म में उनको दिखा देंगे, वो भले ही फिल्म के बाद जाके उसको कोरोबरेट कर ले इंटरनेट पे जाके, पर वो फैक्ट्स जो है, जो डेटा और स्टैटिस्टिक्स की अगर हम बात करें, तो वो आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। आई थिंक तभी फिल्म्स इतनी ज़रूरी होती हैं कि हम जो हमें नहीं भी पता वो हम एक फिल्म के माध्यम से देख सकते हैं। बिल्कुल, स्पेशली समथिंग लाइक दिस चेंज द हिस्ट्री ऑफ आवर नेशन। आई थिंक ऑफकोर्स ऑडियंस आएगी यार देखने, आई हैव होप, उम्मीद है। आपने इंडस्ट्री में इतना काम किया है, टेलीविजन, वेब सीरीज, प्रीवियस फिल्म्स में भी, ओवर द इयर्स बिग स्क्रीन्स के लिए आपको कैसे, किस तरीके से प्रिपेयर किया है इन सब प्रोजेक्ट्स में? बस वही, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम वेरी ग्रेटफुल टू माय जर्नी। बहुत सीखा है मैंने टेलीविजन के हर सेट पे, मैं स्टूडेंट की तरह थी और वो जगह भी ऐसी है, वो एक स्कूल की तरह ही होता है, हर रोज़ सुबह सुबह 9 बजे शुरू हो जाता है और बस काम शुरू हो जाता है। तो इवन इन OTT, तो मुझे बहुत खुशी है कि हर मीडियम में काम करके मुझे मौका मिला सीखने का, बहुत सारे लोगों के साथ काम किया है, हर तरीके का काम किया है। फिल्म्स में भी वही, मैं ट्रेनिंग लेकर आ रही हूँ और सीखना चाहती हूँ, क्योंकि ये मीडियम अलग है, यहाँ पे चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट व्हाट हैपेंस बिटवीन एक्शन एंड कट। यस, तो बहुत एक्सप्लोर करना है, अभी तो शुरुआत है और मैं बहुत खुश हूँ कि अच्छी शुरुआत हुई। ऑलराइट विक्रांत, आप इतने हम्बल हैं आज भी डिस्पाइट ऑल द स्टारडम। हम जानना चाहते हैं कि लोगों का परसेप्शन आपकी तरफ कैसे, लोग आपको किस तरीके से देखते हैं, उनका परसेप्शन कैसे बदला है, क्या वो अभी भी आपको ऐसा मैसिव स्टार जैसा ट्रीट करते हैं या नॉर्मल है? कोई मुझे स्टार की तरह ट्रीट नहीं करता है और मैं चाहता भी नहीं हूँ, बिकॉज आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्किन, आई एम वेरी हैप्पी इन माई स्पेस। मैं वैसे ही बॉर्डरलाइन इंट्रोवर्टिश हूँ, सोशल मीडिया पे अपने आप को एक्सपोज करना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। आई लव बीइंग ऑन फिल्म सेट्स, एज रिद्धि सेड, डूइंग व्हाट यू डू बिटवीन एक्शन एंड कट, और कोई स्टार नहीं हूँ, कोई मुझे स्टार की तरह ट्रीट नहीं कर रहा है और ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। ऑडियंस ट्रीट कर रही है, विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। हाँ, आई मीन वो कर रहे हैं, बट वो ही जरूरी है सबसे ज्यादा। आई मीन दे आर काइंड यार, वो हम्बल हैं, दे आर जेनरस पीपल, यू नो दे आर रियली जेनरस। क्योंकि मैं सच आपको बताऊं कि हम टीवी से आते हैं, और ये बहुत फेमस कहावत थी जब हम टीवी करते थे, TRPs को लेके या क्वालिटी को लेके, कि हमारी किस्मत जो है रिमोट के एक प्रेस पे निर्भर होती थी। आज वो एक स्वाइप हो गया है या टैप हो गया है OTT के माध्यम से। तो मेहनत आपको बरकरार रखनी होती है, यू हैव टू बी वर्थ पीपल्स टाइम एंड मनी। अगर कोई इंसान अपनी मेहनत की पूंजी आपकी टिकट पे लगा के अपने घर से निकल के जा रहा है अपने परिवार के साथ और देख रहा है, तो वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। सो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू वर्थ देयर टाइम एंड मनी एंड देयर एफर्ट। तो उसी चीज़ पे कोशिश रहती है कि बरकरार उतरें, खरे उतरें। इतने साल हो गए, उन्होंने मतलब एक ऑडियंस फटीक जिसे कहते हैं, वो अब तक उनकी तरफ से आया ही नहीं। इनफैक्ट प्यार उनका और सम्मान जो उनकी तरफ से वो बढ़ता ही गया। तो आई एम तो रियली रियली ग्रेटफुल टू इट, पर मैं इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा सीरियसली भी नहीं लेना चाहता, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, बिकॉज कहीं ना कहीं
एंड यू गाइस कैन आल्सो सॉर्ट ऑफ यू नो कम इन, क्योंकि राशि बहुत बड़ी स्टार है, ठीक है, शी इज ऑनेस्टली हम तीनों में से ये बहुत बड़ी स्टार है, ठीक है, डाउन साउथ, और ये भी बहुत यू नो ग्राउंडेड है, शी इज सो डाउन टू अर्थ, शी इज अ मैसिव स्टार डाउन साउथ, पर ये चीजें कहीं ना आपकी साइकी पे फर्क पड़ता है आपको उसका, और मैं नहीं चाहता कि वो फर्क पड़े. मैं अपना प्रोसेस नहीं बदलना चाहता, मैं अपनी लाइफस्टाइल नहीं बदलना चाहता. आई स्टिल वांट टू डू द थिंग्स दैट आई हैव बीन डूइंग, क्योंकि मेरा ये मानना है कि ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं, जो प्यार मिल रहा है, वो शायद इसीलिए मिल रहा है क्योंकि जो लाइफस्टाइल और प्रोसेस है उसमें अगर छेड़खानी की तो रिजल्ट्स में गड़बड़ हो जाएगी. ओके, मेरा ये मानना है. कंजर्वेटिव थॉट प्रोसेस कह सकते हैं. आई अंडरस्टैंड यू नो व्हाट ही इज सेइंग कि एक तरीके का जो प्यार मिलता है इनको, हाँ. शायद इसीलिए मिलता है क्योंकि ये इतने हम्बल है. मुझे तो ऐसा लग रहा है इनका सुपर स्टारडम मुझ पे रब ऑफ हो जाना चाहिए दोनों का, मतलब आई एम स्पेंडिंग सो मच टाइम. ये भी एक आर्ट है एक्चुअली, क्योंकि व्हेन यू कंसीडर व्हेन ये इतना हम्बल रहना, इतना कंजर्व कर लेना अपने, बट दैट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच, बिकॉज़ आई मीन दे विल नॉट बी एबल टू से इट बिकॉज़ दे आर इन इट. आई कैन से इट बिकॉज़ आई एम लुकिंग एट इट बाहर से. आप उस टाइड में नहीं है, आप देख रहे हैं कि ये हो रहा है मेरे साथ, एंड देन टू कीप योर बैलेंस, लाइक राशि इज ऑल्सो सेड बिफोर यू नो दैट माई फैमिली और माई फ्रेंड्स दे कीप मी ग्राउंडेड. सो ग्राउंडिंग बहुत जरूरी है, स्पेशली व्हेन पीपल रियली रेज यू हाई. हाँ, आई हैव सीन अ लॉट ऑफ हाईज एंड लोज इन माय प्रोफेशन, और जब लोज होते हैं ना तो आप ये रियलाइज करते हो कि देयर इसके बाद हाई आएगा या नहीं आपको नहीं पता. यू नो दैट अंडरस्टैंडिंग कीप्स यू ग्राउंडेड, कि अगर आप अपने दिमाग में बहुत बड़े स्टार बन गए बस आप खत्म है, उसके आगे कोई ग्रोथ नहीं है, यू नो. सो यू हैव टू कीप ग्रोइंग इन योर प्रोफेशन एंड कीप दिस ऑल असाइड, बिकॉज जो फेम और पैसा है वो हमारे प्रोफेशन का बाय प्रोडक्ट है. आई थिंक हम तीनों के लिए मैं कह सकती हूँ कि वी आर नॉट रनिंग आफ्टर फेम और मनी, रनिंग आफ्टर डूइंग बेटर रोल्स, बिकमिंग बेटर एट आर जॉब. तो आई थिंक वी आर सो कंज्यूम्ड बाई इट कि हम बाहर के जो एक्सटीरियर जैसे फेम है, पैसा है, उसके बारे में इतना नहीं सोचते हैं, या वो स्टारडम है, हम स्टार हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं. क्योंकि वी आर कॉन्स्टेंटली वर्किंग कि हम बेहतर हो अपने क्राफ्ट में. एंड आई थिंक यही मैं नए एक्टर्स को भी यही बोलना चाहूँगी कि आप प्लीज़ अपनी क्राफ्ट पर ध्यान दें. इंस्टाग्राम ठीक है, ज़रूरी होता है सोशल मीडिया, लेकिन आपकी क्राफ्ट सबसे ज्यादा जरूरी है. बिकम सो गुड एट योर जॉब दैट नोबडी कैन इग्नोर यू. दैट इज वेरी, आई एम स्टीलिंग दिस आंसर फॉर द रेस्ट ऑफ माय लाइफ, व्हिच इज सो ट्रू. मुझे आप तीनों का जवाब बहुत अच्छा लगा, मतलब. और लास्टली मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा इसमें कि यू नो ये चीज मुझे ये भी रियलाइज होती है कि देखिए यू हैव टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल्स एक्सपीरियंसेस जीवन में. एक जीवन ना मतलब नजरिए की बात है, बहुत लंबी भी है, बहुत छोटी भी है. सारी गलतियां करके आप नहीं सीख सकते, और इस प्रोफेशन में तो बिल्कुल नहीं. बहुत बड़े बड़े लोग कह के जा चुके हैं कि यू नो जमीन से जुड़े रहो, यू नो अपने नजरें नीचे रखो, ज्यादा उड़ो मत जिसे कहते हैं. तो वो उनसे सीखना भी जरूरी है. और मेरा लास्टली मैं ये कहना चाहता हूँ कि माय प्रोफेशन इज नॉट माय ओनली आइडेंटिटी. तो मुझे एक्चुअली ट्रू फॉर ऑल ऑफ अस. तो मुझे ये पता है कि सब कुछ टेम्पररी है. आज सक्सेस भी टेम्पररी है, फेलियर भी टेम्पररी है. I am also a son, a brother, a father, a husband, a friend, a farmer, a farmer. जो नहीं हूँ मैं, पता चला कल हेडलाइन में विक्रांत इज ऑल्सो अ फार्मर, खेती कर रहा है कहीं. बट यू नो व्हाट आई मीन टू से, राइट? तो एक्टिंग इज जस्ट अ पार्ट ऑफ माई लाइफ. It's not your life. It's not the whole identity. Yeah. Amazing. ये जवाब मैंने बिल्कुल भी expect नहीं किया. I think जब आप ज़मीन से जुड़े हुए होते हो ना, मतलब हम अगर अपने you know, अपने दादा पर दादा की कहानियाँ सुने या नाना नानी की, वो ज़मीन से जुड़े हुए लोग इसीलिए थे बिकॉज दे saw advancement, लेकिन they had come from war. Yes. I'm not comparing our lives to them, but I'm trying to say कि जब आप ज़मीन से जुड़े हुए होते हो ना, तो जब आपको हाई भी मिलता है ना, आप भूलते नहीं हो कि आप कहाँ से आए. कुछ भी बदल सकता है रातों रात यार. क्योंकि आपने वो कुछ भी बदल सकता है, कुछ भी हो सकता है. बहुत डीप बातें हो गई. बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा एक्चुअली. ओके, टू रैप दिस इंटरव्यू, मैं जानना चाहती हूँ वो कुछ हिडन टैलेंट्स हर किसी में होते हैं, तो आप में भी होंगे. हमसे ये सवाल इतनी बार पूछ चुके हैं ना कि अगर हमने हिडन टैलेंट दिया भी होगा ना, वो हिडन नहीं रह गया. अब वो एक्सपोज्ड हो चुका है. हिडन टैलेंट, हिडन टैलेंट ये है कि मैं 10-10 घंटे सो सकता हूँ. मैं सच बता रहा हूँ,
और बेहोशी की हालत में सो सकता हूँ. बट जोक्स अपार्ट, आई मीन कैसा क्या ही टैलेंट. ये गाना गाती है बहुत अच्छा. नहीं, बट वो हिडन नहीं है ना. अच्छा, हिडन नहीं, बट स्टिल वी वांट टू हियर इट. अरे चलो, हां, सिंस इट्स नॉट हिडन. लवली लवली. अरे कौन सा गाना? सिंग योर सिंग योर फिल्म सॉन्ग. हां, वी आल्सो वांट टू हियर तेलुगु सॉन्ग. तेलुगु सॉन्ग, या मेक देम आल्सो हैप्पी. मैं समझ तो आएगी नहीं तुम्हें. तो क्या हो गया यार, ये पीपिंग मून इज अ नेशनल ब्रॉडकास्टर यार, मतलब फैन. मुझे ना कनेक्शन हो जाएगा. मुझे ना ठीक है, मैं ट्राई करती हूँ. मुझे याद नहीं है लिरिक्स एग्जैक्टली. ताल देनी है. हाँ, नहीं 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 नहीं, ट्राई करती हूँ. एम संदेहम लेदु आ अंदाला नवे संदलो तिचिंदे ఏం సందేహం లేదు ఆ ఖండే దిశకే తొందరలో ఇచ్చింది ఏం సందేహం లేదు ఆ గంధాలా గొంతే ఆ నన్నాలోపించింది నిమిషము నేల మీద నిలువని కాలిలాగా మదిలిను చేరుతోంది చిలక తనకు తోడులాగా వెనకన సాగుతోంది హృదయము రాసుకున్న లేఖ. Whoa, that was amazing. I may have got the lyrics idhar udhar ho gaye honge, but wow. Thank you. I'm sure log bolenge are lyrics gadbad hai isme, but मैंने कोशिश करी, मुझे याद रहे, बट मोस्टली मुझे आप सबसे बात करके बहुत अच्छा लगा. थैंक यू फॉर योर टाइम. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर साबरमती रिपोर्ट. लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच इट ऑन द बिग स्क्रीन. आई डोंट वांट, आई जस्ट वांट टू से मेरा हिडन टैलेंट हिडन रह गया. All right, thank you so much. Thank you. Yeah, all right. Thank you. Thank you so much. Thank you so much. Thank you.